इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट 50 वाले काउंटर्स पे देखेंगे वहां पे भी कुछ कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। बढ़ने वाले शेयर्स में सीमेंस है जिसमें 1% का गेन है, और गिरने वाले शेयर्स में वही अदानी के दो शेयर्स हैं, कैश के ट्रांस और गैस, जहां पर आज 5-5% की गिरावट है, और ज्यादा शेयर नहीं जिसमें कुछ क्रैक बड़ा आता हूँ दिखाऊ। एडवांसेस के साथ चेक करते हैं कितनी मार्केट की ओपनिंग मिली है। 1000 का नंबर आया है और इस समय मार्केट बिल्कुल फ्लैट। बैंक निफ्टी 19 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स फ्लैट होके कामकाज कर रहा है। तो कुल मिला के आज रेंज का मार्केट अभी तक तो है शुरुआत में, लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर काफी हद तक पोजीशनिंग जैसे हो जाएगी मार्केट की, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बाजार अपने सपोर्ट को बचाएगा या फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेस 2% ऊपर आया, अदानी पोर्ट आ चुका है 1.5% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर करीब 0.25% की तेजी है, UPL इंडसइंड बैंक इनमें आधे परसेंट तक की बढ़त है। अडानी के स्टॉक्स अगर छोड़ दें तो खुलने के बाद भी 1% का मूव सिर्फ M&M के अंदर बना है, और कोई ऐसा शेयर निफ्टी का तो नहीं दिख रहा जहां पे इस तरह का मूवमेंट आया हो। कोल इंडिया के अंदर गिरावट अब 1% की आ चुकी है, इन्फोसिस वही 0.5%, ब्रिटानिया BPCL जैसे शेयर्स भी 0.5% की गिरावट के साथ है। तो एक शांत ओपनिंग, बिल्कुल शांत ओपनिंग आज आपको दिख रही है। नेक्स्ट 50 चेक करेंगे तो वहां पर भी कुछ खास बड़ा मूव नहीं है। अडानी के तीन शेयर ग्रीन, टोटल और ट्रांसमिशन, इन सब में 5-5% के लोअर सर्किट्स लगे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा शेयर नहीं दिख रहा जहां पे 2% से ज्यादा का बड़ा मूव आया हो। उसमें एक इन्फो एज है जो भी 2-2.5% ऊपर है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। इसी कड़ी में बढ़ने वाले शेयर में यूनाइटेड स्पिरिट्स, स्कॉच वाली खबर सुबह आपको अजय ने बताई दी थी, सीमेंस और साथ ही ABB, DLF ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पे 0.5% की बढ़त है। 34 लाख का ब्लॉक लगा है DLF पे, तो वहां पे 0.5% तक का फिलहाल तो भी मूव देखने को मिल रहा है। 100 वाले काउंटर्स चेक करेंगे, निफ्टी के 100 काउंटर्स, तो वहां पर आपको वही दिखेगा कि बजाज ऑटो, अंबुजा, UPL जैसे शेयर्स कुछ कुछ चल रहे हैं, और जो टूटने वाले शेयर हैं उसमें इंद्रप्रस्थ गैस है, बायकॉन है, कोल इंडिया, ये कुछ शेयर टूट रहे हैं। तो मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट है, बैंक निफ्टी हल्के से हरे निशान में है। आप प्रियंका, आपको मेहमानों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये वो पता लगा पाए कि इस समय हमको सौदे कहाँ बनाने हैं। बिल्कुल रिम्पी, इनफैक्ट मिड कैप में कुछ स्टॉक्स और जो हाईलाइट करेंगे वो बालाकृष्णा, वीक नंबर्स आए थे, 9% टूट चुका है, कुफोर्स की ब्लॉक डील का आप असर देख रहे हैं, वहां 6% की गिरावट है, और लुपिन अब भी लगातार अपने नंबर्स के बाद, फ्राइडे भी वीक था और आज भी आपको और वीक पोजीशन दिखा रहा है, 5% का वहां पर भी डेंट है। फार्मा और जितने भी डायग्नोस्टिक काउंटर्स थे, हॉस्पिटल काउंटर्स में, उनमें लास्ट वीक आपको एक मूव दिख रही थी, लेकिन यहां पर भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग आपको फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रही है। देख लेते हैं कि यहां पर पार्टिसिपेशन आज लीडरशिप कहां से आ सकती है। बैंक्स पास प्लस हो चुके हैं, बैंक निफ्टी इनफैक्ट लगभग 60 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। क्या बैंक्स पे आज के लिए ट्रेड करना एक स्ट्रैटेजी बेटर होगी, क्योंकि जब तक IT या फिर मेटल वीक होंगे इंडेक्स को मूव नहीं मिल पाएगी, या फिर आपको लगता है कि पार्टिसिपेशन शायद रिलायंस जैसे काउंटर से आ सकती है। कुश, आप बताएं। यानी देखिए, मेटल्स तो हम जानते हैं काफी वॉलेटाइल रहे हैं, तो यू नो इट प्रोबली बी बेस्ट टू अवॉइड देम यू नो फॉर एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज, जब तक हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती। बट हाँ, बैंकिंग और विद इन द बैंकिंग स्पेस ऑल्सो आई वुड सजेस्ट PSU बैंक्स एक स्पेस है जहां पे हमें बिल्कुल ध्यान रख के चलना चाहिए। एंड छोटे स्टॉक्स तो अच्छा कर ही रहे, बट आई थिंक यू नो SBI एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो स्टॉक्स हैं जिनसे यू नो आज लीडरशिप आ सकती है, इनमें यू नो अच्छी खासी अपमूव देखने मिल सकती है। फ्राइडे के सेशन में भी SBI ने बहुत अच्छा मूव दिखाया था, आज ओपनिंग में हमें फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से SBI एक स्टॉक है जो आपके रेडार पे बिल्कुल होना चाहिए।